नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिली बोर्ड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के खुरई में पिछले कुछ दिनों से मंडी व्यापारियों व हमाल संघ के बीच मजदूरी दरों को लेकर चली आ रही खींचतान पर विराम लग गया है और आज शुक्रवार से कृषि मंडी में आवक जावक शुरू हो गई है। गुरुवार को एसडीएम मनोज चौरसिया ने दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए आश्वासन दिया कि 16% की वृद्धि बेसिक भुगतान पर होगी, जिसको हमाल संघ ने भी स्वीकार कर लिया। दरअसल हमाल मजदूरी दरों को 16% बढ़ाए जाने की नई दर पर वृद्धि की मांग कर रहे थे। व्यापारी संघ के सचिव जयेश मोदी ने बताया कि एसडीएम के सामने यह निर्णय हुआ कि बेसिक पर ही 16% की वृद्धि की जाना है। वर्तमान में जो दर दी जा रही है वह 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके बाद जो नए नियम बनेंगे वे अन्य मंडियों की दरों के आधार पर बनाए जाएंगे। दरअसल में विवाद की कोई बात नहीं थी, जो समझौता माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी महोदय के समक्ष पूर्व में हुआ था कि आधार दरों में 16% की वृद्धि कर हमाली दरों को अगले एक वर्ष के लिए लागू किया जाए, वही समझौता आज हुआ है। चूँकि उसमें बढ़ी हुई वृद्धि की हुई दरों पर 16% की वृद्धि कर लिस्ट जारी कर दी गई थी, अब वो किस पक्ष के द्वारा की गई ये समझ में नहीं आया, लेकिन आधार दरें जो 2015-16 की थी उन पर 16% की वृद्धि को लेकर सहमति बनी और दोनों पक्षों में एक राय हुई और कल से मंडी प्रारंभ होने की घोषणा हुई। व्यापारी और हमारे बीच माने एडीएम साहब के समक्ष माने पुनः उस पर विचार किया गया, तो उस पर व्यापारी का था कि हम आधार दर पर पैसे दे रहे हैं आपको, और हमारा था कि वर्तमान दर पे पैसे चाहिए। क्योंकि साहब ने कहा कि भाई आपका पहले से फैसला है आधार दर का, अभी आप इस पर लोर एक वर्ष तक आपको और इस पे आधार दर पर ही काम करना पड़ेगा, इसके बाद आपकी आधार दर ख़त्म करके नए तरीके से आपकी जो रेट लिस्ट बनेगी और उसी आधार पर फिर आपको पैसा मिलने लगेगा। एक वर्ष के लिए हम लोगों को सहमति हो गई है और उस कारण से हम लोग उस पर तैयार भी हो गए कि उसमें आधार लिखा हुआ है हमारे, उसमें उसे हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये आधार क्या होता है, तो अब हमारी उसमें समझ में आ गई कि हाँ आधार रेट बना के ये हमारा 16% बढ़ा रहे हैं, तो हमने एक वर्ष का फिर हमारा एडीएम साहब के सामने करार हो गया है। वर्ष 21 के लिए हम काम को करेंगे, 22 में हमारा नया बायला तैयार होगा, नई लिस्टें तैयार होंगी, कल से मंडी चालू और कल से हमारी मंडी हम लोग चालू करेंगे। जैसा काम होता था वैसा पुनः काम चालू होगा, किसान परेशान ना हो इस हित में हम अपना काम पुनः चालू करेंगे। गाइडलाइन नहीं आएगी, वो आज मैंने बुलाया था व्यापारियों को, व्यापारियों के प्रतिनिधि को और हमालों के प्रतिनिधियों को, उनको गाइडलाइन को लेकर के आपस में मनमुटाव था और समझ नहीं आ रहा था किसी को। मैंने दोनों पक्ष को बुलाया और जो पुरानी राजीनामा थे, पुराने जो एग्रीमेंट थे, उस एग्रीमेंट से मैंने कैलकुलेशन करके दोनों पक्षों को बता दिया कि एक्चुअल में जो एग्रीमेंट बना है उसको किस दर से उसका भुगतान होना चाहिए, और ये जो है उसमें दोनों पक्ष सहमत हो गए। और चूंकि मैंने पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको बता दिया, इसलिए सबको समझ में भी आ गया और आपस में ये राजी भी हो गए हैं। और ये चूँकि ये एक मैंने एक व्यवस्था बनाई है जिसमें जो नई दरें लागू करी है मैंने, ये 31 दिसंबर 2021 तक के लिए लागू करी है, इसके बाद की पुनरीक्षित दरें इसके बाद लागू की जाएंगी और शुक्रवार से मंडी प्रारंभ कर दी जाएगी। खुरई से मनोज वाधवानी, सागर टीवी न्यूज। सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ सर्व सुविधा युक्त, सभी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों के साथ लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सागर में पहली बार सनशाइन जिम। आपके समय अनुसार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिली बोर्ड, सागर, मध्य प्रदेश।